हाँ जी भी गुड इवनिंग सभी को क्या हाल चाल हैं आ रही मेरी तो आज हम लोग करने वाले हैं फोक डांसेस जो हम लोगों ने कल टॉपिक किया था तो उसी के क्वेश्चंस करने वाले हैं क्योंकि कल के लेक्चर में हो नहीं पाए थे क्वेश्चंस तो बिफोर प्रोसीडिंग हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं कमेंट्स कॉमेंट्स आपके विजिबल क्यों नहीं हैं कन्फर्म करिए कमेंट्स क्यों नहीं आ रहे यहाँ पे mm -hmm. जी हेलो प्रवीण आकांक्षा गुड इवनिंग सिद्धांत यस ओके ठीक है अभी कमेंट्स आ रहे हैं लेकिन बहुत कम कमेंट्स आ रहे हैं जितने स्टूडेंट्स लाइव हैं उसके कंपैरिजन में तो कुछ ग्लिच तो नहीं है मीनाक्षी सिंह गुड इवनिंग एक एक करके आ रहे हैं भी ठीक है okay. ओके ठीक है सौरभ ठीक नमस्ते रितेश सभी को तो स्टार्ट करते हैं फिर ठीक है बातचीत तो होती रहेगी पहला क्वेश्चन करते हैं आपका तो फोक डांस हमारा टॉपिक है सीसी स्टैंड में आया हुआ क्वेश्चन है इज द फॉलोइंग इज अ फोक डांस फ्रॉम द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र महाराष्ट्र से कौन सा फोक डांस है आई होप आप रिविजन आपका हो गया होगा ठीक है आप जल्दी से बताइए आपने रिवाइज तो कर लिया होगा आप जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा आ, अरिंदम नितेश सचिन गिल्लू उदित तो महाराष्ट्र का कौन सा फोक डांस है महाराष्ट्र के फोक डांस कैसे याद किए थे हम लोगों ने ए कोली वड़ा पाओ लाना ठीक है ए कोली कोली से कोली डांस आपका वड़ा पाव से पाव डाव डांस आपका ठीक है इसी तरह हम लोगों ने याद किया था ना पाव डाव डांस था आपका ठीक है वड़ा पाव से ए कोली कोली डांस हो गया आपका कोली वड़ा पाव लाना लाना से लावनी हो गया तो कोली जी ने क्या बोला लेजी कहीं की तो लेजिम डांस हो गया लेजी कहीं की ठीक है लेजी कहीं की क्या बोला था उन्होंने लेजी कहीं की नहीं तो मैं ढंग का ढंग का जो नाटक करती मोनी ठीक है मोनी डांस हो गया दफ़ा हो जा तो दफ़ा से गफ़ा डांस दफ़ा हो जाने में ढंग का ढंग का से ढांगारी गाजा ढंग का मौनी जो ढंग का नाटक करती है उसके पास चला जाऊंगा तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी दी करेक्ट आंसर घूमर आपको पता है कहाँ का है ये राजस्थान का फोक डांसर इसको कौन सी ट्राइब परफॉर्म करती है भांगड़ा एंड भांगड़ा की अगर बात करें तो ये पंजाब का है एंड गरबा और जो डांडिया होता है ये हमारा कहाँ पर होता है गुजरात में होता है जो कि नवरात्रों के टाइम पर होते हैं ये ठीक है राजस्थान के जो भील ट्राइब है वो इसको परफॉर्म करती है घूमर को एंड वी ऑल नो कि झूमर झूमर से अलग है ना झूमर आपका हरियाणा का हो जाएगा जो झूमर है झुमैर या फिर झूमर तो ये आपका देखने को मिलेगा असम में भी जो कि टी कल्टिवेशन करती है जो ट्राइब है वो परफॉर्म करती है इसको झूमूर को ठीक है झमूर या फिर झुमैर ठीक है झमूर होता है आपका असम में जो उसको टी कल्टिवेशन वाली ट्राइब परफॉर्म करती है और झुमैर भी होता है आपका उड़ीसा वाले रीजन में थलाल डांस जो होता है हमने पढ़ा था ओटन थुलाल ओरिजिनेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट केरला उत्तराखंड मणिपुर या फिर गुजरात तो मैंने आपको याद हो तो अगर मैंने एक नाम बताया था अभी यहाँ पर आपको कुंची नामबियार बताया था आपको नाम मयंक सतीश सत्या सय सभी का रितेश तो कुंची नामबियार नाम याद है आपको ठीक है तो ये जो कुंची नामबियार मैंने आपको नाम बताया था जो थुलाल डांस एसोसिएटेड एक्चुअली यही माने जाते हैं ओटन थुलाल के ओरिजिनेटर तो नाम से भी आप गेस कर सकते हैं कि उत्तराखंड मणिपुर और गुजरात कहीं का नाम नहीं लग रहा है सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए केरल वुड बी द करेक्ट आंसर ठीक है चलिए अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर मई माता इज अ पॉपुलर फोक डांस ऑफ ऑफ द फॉलोइंग स्टेट तो मई माता का फोक डांस है तो हम लोगों ने इस तरह से याद किया था अगर आपको ट्रिक याद हो कि भाई ये मेरी माता है याद आ रहा है आपका कुछ सर ठीक है हाँ हाँ ठीक है तो हम लोगों ने किस तरह से याद किया था अगर आपको याद हो कि बीजू तेरी दादागिरी माता पे नहीं चलेगी मेरा माता पे मेरा भी हक है ठीक है उसको संग ले जाऊंगा घर ले जाऊंगा इस तरह से ठीक है तो बीजू से हमने बीजू डांस दिया था और माता से मई माता देखा था तो मई माता कहाँ का है त्रिपुरा का है है ना त्रिपुरा का है दादागिरी से हमने क्या याद किया था दादागिरी से दादागिरी से भी कुछ याद किया था ना दादागिरी से होजागिरी याद किया था तो होजागिरी भी कहाँ का है त्रिपुरा का है हक है से क्या हो जाएगा हाई हक हो जाएगा हाई हक गारिया भी यहीं का है ठीक है गारिया लेबांग हो गया बीजू हो गया ये सब कहाँ के हैं त्रिपुरा के हैं लावणी इज अ फोक ट्रेडिशनल सॉरी इज अ ट्रेडिशनल डांस ऑफ विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेट तो यार अभी देखा हम लोगों ने लावणी एक ओली वड़ा पाओ लाना ठीक है तो लाना लावणी तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र और लावणी में हमने देखा था बैठा खींची करके एक परफॉर्मेंस होती है है ना तो महाराष्ट्र के सारे हमें याद हैं उस तरह से विच ऑफ द विच ऑफ द दी अभिनय डील्स विद द यूज ऑफ कॉस्ट्यूम्स ज्वेलरी एंड फेशियल मेकअप एक्सेट्रा तो कौन सा अभिनय है जो वेशभूषा आभूषण चेहरे के मेकअप आदि से के उपयोग से डील करती है तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करें तो देखिए अभिनय तो सब में दिया हुआ है वाचिक अभिनय आचार अभिनय सात्विक अभिनय फिर अंगिका अभिनय तो यहाँ पे कॉस्ट्यूम्स ज्वेलरी फेशियल मेकअप्स तो वहाँ पे सारे अंग एक तरह से दिखाया जा रहे हैं तो इसको अंगिका अभिनय बोलेंगे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा का। प्रिया काजल उदित आकांक्षा रवि सबका सही है

वर्कर के तौर पे ब्रिटिशर्स के द्वारा लाए गए थे गुजरात वाले रीजन पे और तब से यहीं पे सेटल गए हो गए वापस नहीं गए ठीक है जैसे कि आपने अभी आ, सुना होगा करंट अफेयर्स में हम लोगों ने पढ़ा था अभी मार्च के महीने में इंडियन वेल्स का टाइटल किसने जीता है कोई बताएगा जो टेनिस का एक टाइटल होता है तो किसने जीता है इंडियन वेल्स का टाइटल तो ये अगर हम देखें तो इंडिया नाम क्यों पड़ा बिकॉज यू में एक रीजन है जहाँ पे इंडियंस को ले जाया गया था वर्कर्स के तौर पे तो वो वहीं पे सेटल हो गए तो इंडियंस वाले से नाम पड़ गया और ये जीता किसने ये जीता कार्लोस अलकराज जो स्पेन के प्लेयर हैं पिछली बार भी इन्होंने जीता था और इस बार भी इन्होंने जीता कार्लोस अलकराज ने ठीक हाँ, है आई थिंक डैनियल मेड हाँ डैनियल मेडोडेव को हराया इन्होंने तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इससे दी धमाल करके यहाँ पे एक परफॉर्म करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर गुजरात है ना डंगारी सॉरी डांडारी ट्रूप्स परफॉर्म डैश ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ दिवाली फॉर अ फोर्थ नाइट विद पार्टिसिपेशन फ्रॉम कोलम एंड राजोंड ट्राइब तो डंडारी हाँ ठीक है तो डांडारी की अगर बात करें तो ये छव में होता है बाएगा पारधोनी में होता है गुसादी में होता है या फिर रात नाचा में होता है तो ये आपका परफॉर्म किया जाता है किसमें गुसाडी में और गुसाडी आपको याद हो ठीक है तो ये तेलंगाना का फोक डांस है हम लोगों ने पढ़ा था हम लोगों ने तेलंगाना के क्या क्या फोक डांसेस पढ़े थे और उनको हम लोगों ने याद भी कैसे किया था एक्चुअली मुझके लिए मैंने आपको ट्रिक नहीं बताया था क्योंकि कुछ तो हमें याद हो गए थे लंबाडी मैडम लंबा ठीक है तो लंबाडी मैडम लंबा और समझ रहे हैं? तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमने इस तरह से याद किया था अलबेले टांगे वाले तो ऐसे आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के काफ़ी कॉमन आपको देखने को मिलेंगे तो लम्बाडी ठीक है और घीमसा तो इसको धीमे से याद कर सकते हो धीमे से घीमसा ठीक है धीमे से और आपका बना लूँ ठीक है धीमे से बना लू ठीक है माधुरी के साथ तो माधुरी तो ये सारे कहाँ के फोक डांसेज हैं आपके तेलंगाना के हैं ठीक है तो गुसा आपको इस तरह से याद होना चाहिए अगला क्वेश्चन करिए हाँ क्या बोपन्ना हाँ वो डबल्स में जीता है रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन ने जीता है मैथ्यू एबडेन उनके को पार्टनर हैं ऑस्ट्रेलिया से हैं वो तो ये काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज अभी न्यूज में है ना तो इस वजह से क्योंकि सबसे उम्र दराज प्लेयर बने जो वर्ल्ड नंबर मतलब कि टॉप रैंकिंग पे गए हों डबल्स की कैटेगरी में अगर हम बात करें तो अच्छा आप सागर सरकार त्रिपुरा से हो पाइका डांस ऑफ झारखंड इज यूजली परफॉर्म बाई विच ट्राइब टू वेलकम स्पेशल ऑनर्ड गेस्ट और डूरिंग रिलीजियस प्रोसेस शोभा यात्रा जिसको बोलते हैं पैका डांस कौन सी करती है मैंने आपको ट्राइप बताई थी ये एक ट्राइप का आपका, आपका वॉरियर डांस होता है ठीक है वॉरियर डांस होता है और कॉमेंट्स क्यों नहीं आ रहे भैया आप लोगों के दीपक साहनी तो अगर हम बात करें पैका डांस तो पैका डांस ये एक तरह का वॉरियर डांस है झारखंड का और कौन सी ट्राइब परफॉर्म करती है आपका मुंडा ट्राइब ओरांव ट्राइब की अगर बात करें तो मैंने एक करम करके आपको पढ़ाया था जो करम डांस होता है उसको उरांव ट्राइब परफॉर्म करती है ठीक है तो यहाँ पे आंसर होगा मुंडा कम्युनिटीज को परफॉर्म करती है लेबांग बुमानी डांस इज़ दी हार्वेस्ट डांस ऑफ लेबांग बोमानी मिजोरम त्रिपुरा असम या फिर मेघालय ठीक है तो यहाँ पे सही आंसर होगा लेबांग लेबांग बुमानी आपका है त्रिपुरा का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा ठीक है लेबांग बोमानी और बाकी भी हमने त्रिपुरा के देखे कौन कौन से फिर से रिपीट करते हैं त्रिपुरा में हमने पढ़ा होजागिरी बीजू हई हक मई माता और गारिया और लेबांग ठीक है लेबांग मैंने इन शॉर्ट लेबांग आपको पढ़ाया था लेबांग पूरा अगर लेबांग याद है तो इसको भी आप कर सकते थे लेबांग बोमानी से है ना तो लेबांग बुमानी या फिर लेबांग इन शॉर्ट ठीक है तो उसको हमने पढ़ा था ना कि बीजू दादागिरी माता पे हक है संग घर ले जाऊंगा तो ले जाऊंगा से हमने लेबांग को रिलेट किया था है ना लम्बाडी डांस इज़ अ फोक डांस फॉर्म ऑफ द डैश ट्राइब तो लंबाडी जो है किसका तो लंबाडी मैंने आपको बताया था लम्बाडी एक तरह का ट्राइबल ग्रुप है जो राजस्थान वगैरह से ही माइग्रेट किया था साउथ इंडिया में और वहीं पे वो सेटल हो गया तो so ये बंजारा है ठीक है बंजारा ट्राइब तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा अगला है छऊ आइडेंटिफाइड बाई द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एज द क्लासिकल डांस इज प्रिवेलेंट इन ईस्टर्न इंडिया एंड हैज थ्री डिस्टिंक्ट फॉर्म्स विच द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ दैम अब छऊ को हमने देखा था कि तीन डिफरेंट स्टेट्स में तीन डिफरेंट नाम से इसको परफॉर्म किया जाता है है ना तो इस तरह से हमने याद किया था सराई केला छऊ कहाँ का झारखंड के भाई जो केला है वो झाड़ में उगता है तो इस तरह से याद किया था तो ये तो सही होगा मतलब ये तो है नॉट वन ऑफ देम पूछा गया और ये भी हमने पढ़ा था कि साहित्य अकाडमी तो बोलता है कि आठ क्लासिकल डांसेस है बट मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर बोलता है कि नौ है और वो जो एक्स्ट्रा है इसका वो छऊ ही है जो कि एक तरह का मार्शल डांस भी हमारा ठीक है और मारवाड़ी छऊ छत्तीसगढ़ का इस तरह का हमने कोई छव नहीं पाया था पुरुलिया चव है ना पूरा लिया पूरा लिया तो वेस्ट बंगाल और मयूर पंजाब का उड़ीसा गया तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी दी करेक्ट आंसर नॉट वन ऑफ देम पूछा था इसलिए गौर मारिया डांस फॉर्म फ्रॉम डैश स्टेट इज़ अ फेमस आर्ट फॉर्म ऑफ जॉय एंड इन्वोकेशन इट इज़ अ ग्रुप डांस एंड वेयर बोथ मैन एंड वुमेन पार्टिसिपेट इन तो गौर मारिया डांस आपका पूछ रहा है कि कहाँ से बिलोंग करता है महाराष्ट्र राजस्थान गुजरात या फिर छत्तीसगढ़ सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा याद अगर आपको आ रहा हो तो इस तरह से हमने इसको याद किया था कि जो सुवा है वो क्या कर रहा है कर्म नहीं कर रहा है वो कर्म नहीं कर रहा है तो क्या कर रहा है वो गेंडिया मार रहा है और रात में नाच रहा है तो रौत नाचा गेंडी ठीक है मार रहा है से तो मारिया ठीक है मार रहा है से मारिया गौर मारिया कर्मा और सुवा डांस ठीक है सुवा डांस जो कि पैरट डांस होता है हमारा तो इस तरह से हमने इसको रिलेट करके याद किया था और इसको परफॉर्म कहाँ पे किया जाता है जो बस्तर डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ की वहाँ पे और यहीं पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन को किस नाम से जानते हैं दी बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ जरा बताइए कमेंट में हमने इसको या भी ये भी, भी इसको भी रिलेट करके याद किया था बस्ता लेके कौन छत पे चढ़ा था तो बस्ता लेके छत पे चढ़ा था कौन दीपा तो इस तरह से हमने याद किया था दीपा बोलते हैं कहाँ पर छत्तीसगढ़ में शिफ्टिंग कल्टिवेशन को अच्छा वेस्ट यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स में किस नाम से जानते हैं शिफ्टिंग कल्टिवेशन को

सत्तरिया नॉर्थ ईस्ट का है आंसर छऊ ही एक डांस है जो यहाँ पे ईस्टर्न इंडिया से बिलोंग करता है कमेंट टैब इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली इज इट सो ऐसा है क्या hmm? आई थिंक तभी बहुत लोग कमेंट नहीं कर पा रहे हैं एक बार कमेंट करना कि कॉमेंट करने में प्रॉब्लम आ रहा है क्या अच्छा मतलब फिर कमेंट करोगे कैसे ऐसे लोग कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आ, एक सेकेंड रुकना जरा ठीक है एक सेकेंड का मुझे टाइम देना मैं देखता हूँ अगर मेरे साइड से इंप्रूव हो सकता है कुछ तो स्क्रीन ब्लैक हो जाएगी वॉइस नहीं आएगी थोड़ी ठीक है पाँच सेकेंड पाँच छः सेकेंड के लिए रुकना कुछ लोग बोल रहे हैं फ़ोन में ऑप्शन नहीं आ रहा लैपटॉप में आ रहा है रुकना एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड में देखता हूँ क्या ना पीसी में ही अभी कर पा रहे हैं कि नहीं जो लोग नहीं कर पा रहे थे रिपीटेडली कमेंट्स करने के लिए 30 सेकेंड्स लैग लग रहा है एक मिनट पहले शो हुआ था अच्छा अभी बताना अभी मैं अभी बताना ठीक है अभी बताना हुआ कि नहीं अभी एक्चुअली मैंने एक ऑप्शन वो किया तो अभी बताना हुआ कि नहीं अभी फिर से बताना अभी हुआ कि नहीं ऐसा तो नहीं चला गया कमेंट मैंने एक ऑप्शन किया है आप पता नहीं वो इनेबल्ड चैट वाला है फिर डिसेबल्ड चैट वाला है तो अभी ज़रा बताना अभी शो हो रहा है लोगों को या फिर नहीं हो रहा है प्लीज़ टेल मी चलिए तब तक हम प्रोसीड करते हैं आगे बढ़ते हैं मुंडारी डांस इज़ एसोसिएटेड विद द ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ विच इंडियन स्टेट तो मुंडारी कहाँ से एसोसिएटेड है तो मुंडारी और मुंडा ट्राइब परफॉर्म करेगी कहाँ की होगी मुंडा ट्राइब झारखंड की होगी सिंपल ऑप्शन नंबर डी सरहुल हो गया ज, आ, आ, करम हो गया ये सब कहाँ के डांस है झारखंड के ठीक है अभी आई थिंक चले गए ऑप्शन चले गए ऑप्शन आई थिंक ठीक है अभी चलो इनेबल करते हैं अब आई थिंक ऑप्शन आएंगे क्योंकि एकदम कॉमेंट्स डिसेबल हो चुके हैं हाँ जी अभी और आओ ऑप्शन देखना गया अब गया अब आगे आ गया आया कमेंट ऑप्शन पता है तुम लोगों का ऑप्शन कर देता हूँ तो मेरे चले जाते हैं और अगर अपना करता हूँ तो फिर तुम लोग चले जाते हैं ऐसा कुछ हो रहा है ठीक है तो चलो तुम लोग देते रहो कमेंट्स में ऑप्शन ऑलिट ऑलिट ठीक है अभी आ रहे हैं चलो करते रहो तुम लोग है ना मैं देखते रहूँगा वे चलो द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स इज़ परफॉर्म बाई द आदि ट्राइब ऑफ द अरुणाचल प्रदेश तो, तो निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा परफॉर्म किया जाता है तो आदि ट्राइब कौन सा परफॉर्म करती है टापू करम करमा या फिर संगफा या फिर कक्सर तो ये टापू होता है कक्सर तो यहाँ का है ही नहीं कक्सर कहाँ का जरा बताओ कक्सर कहाँ का फोक डांस है कर्मा भी यहाँ का नहीं है कर्मा भी आपका ईस्टर्न इंडिया का है ईस्टर्न इंडिया, इंडिया इन दी सेंस आपका झारखंड छत्तीसगढ़ यहाँ का है कर्मा डांस तो ये भी नहीं होगा आपका तो आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा अच्छा अरुणाचल प्रदेश के हमने किस तरह से याद किया था कि अजी अजी वैंचो बउआ के पास चलो ठीक है वैंचो बउआ के पास तो आजी से आजी लामू ये कौन सी ट्राइब परफॉर्म कर रही थी हमने देखा था आजी लामू को परफॉर्म कर रहा आजी लामू को परफॉर्म कर रहा था हमारा ट्राइब मोनपा ट्राइब जो मोनपा ट्राइब थी वो परफॉर्म कर रही थी आजी लामू को ठीक है वेंचो बुइया के पास चलो के पास से पासी की के पास चलो चलो डांस ठीक है और चल के क्या करना है मास्क लगा के तो मास्क से मास्क डांस लायन एंड पिकॉक डांस देखना है तो लायन एंड पिकॉक से लॉयन एंड पिकॉक डांस और और था किससे बोल रहा किससे बोला जा रहा था रेखा जी से मतलब रेखा जी बोल रही थी या फिर अरुणा रेखा से बोल रही थी तो रीखम पादा ठीक है रिकम पाडा ये आपका कहाँ का है अरुणाचल प्रदेश का ही है पोपीर भी यहीं का है बोर्दो छाम भी यहीं का है ठीक धीमसा फोक डांस इज असोसिएटेड विद तो धीमसा धीमे से है ना धीमे से बुर्रा बना लूँ याद आ रहा है आपको कुछ धीमे से वीर लोगों के लिए धीमे से कोयले की भाप से बुर्रा बना लूँ तो वीरनाट्यम ठीक है वीरनाट्यम और धीमे से आपका धीमसा कोयले से कोलट्टम बुर्रा से बुट्टा बम बुर्रा बना लो से भुट्टा बमालू ठीक है बुट्टा बोलालू ये आपके कहा के आंध्र प्रदेश के और वहीं पे पड़ती है आपकी अराकू वैली अराकू घाटी तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा तो धीमसा फोक डांस जो है अराकू वैली में परफॉर्म किया जाता है विच आर द फॉलोइंग इज अ ट्रेडिशनल डांस फॉर्म ऑफ श्रीलंका श्रीलंका का इनमें से कौन सा ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है जल्दी से बताइए हां जी तो श्रीलंका का ट्रेडिशनल डांस फॉर्म बिहू तो यार असम का है कथक यूपी का है भरतनाट्यम तमिलनाडु का है तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी कान डैन सिंपल ऑप्शन एलिमिनेशन का खेल था कर्मा ट्राइबल डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स तो कर्मा डांस किस स्टेट से एसोसिएटेड है कर्मा ईस्टर्न इंडिया से है ईस्टर्न इंडिया का सिर्फ एक ही स्टेट है छत्तीसगढ़ बहुत आसान है ठीक है कर्मा सुआ कर्म नहीं कर रहा है गेंडिया मार रहा है रात में नाच रहा है है ना तो कर्मा छत्तीसगढ़ गोवा के दखनी हो गया फुगड़ी हो गया तरंग मेल डांस हो गया ठीक है याद आ रहा है आपको कि ए और हमने क्या बोला था एक मांडवी करके लड़की थी तो गोवा में वो गई थी है ना तो मांडवी डां मांडो डांस हो गया आपका तरंग मेल डांस हो गया तो ये देख देखनी हो गया फुगड़ी हो गया ये सब गोवा के हैं आपके तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ द फोक डांस ऑफ चावित्तू काली इज़ एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स चावित्तू काली आंध्रा उत्तर प्रदेश केरल या फिर गुजरात आराम से यहाँ पे भी एलिमिनेशन खेल सकते हैं चवितू कली आपका नॉर्थ इंडिया फिर वेस्टर्न इंडिया का नाम नहीं लग रहा है साउथ इंडिया के तो दो ऑप्शन आपके गए आंसर यहाँ पे केरल होगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस फॉर्म्स इज परफॉर्म बाई मैन इन हरियाणा नैन में कितने से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा में पुरुषों द्वारा किया जाता है हरियाणा में पुरुष करते हैं अब हरियाणा के फोक डांसेस को किस तरह से याद किया था तो हरियाणा में एक तो हमें सर मतलब देख लो यार मैनेज कर लो ठीक है एक ही दिन की बात है अगर कमेंट्स का जैसा भी हो ठीक है तो हमने किस तरह से याद किया था हरियाणा की जो छोरियाँ हैं वो ढपली और मंजीरा लेके झूमर के नीचे धमाल मचा रही हैं फागुन के महीने में तो हरियाणा से हरियाणा हो गया तो छोरिया से खोरिया डांस हो गया था बट इसको मेल मैन परफॉर्म नहीं करते हैं छोरिया से खोरिया डांस हो गया था गिद्दा गिद्दा तो पंजाब का घूमर राजस्थान के तो है ही नहीं ठीक है तो अगर आपको सिर्फ यही पता है कि कौन सा डांस किस स्टेट का तो भी एटलीस्ट दो तो आपके एलिमिनेट हो ही गए थे ठीक है गुग्गा हमने इस तरह से याद किया था भाई जो गुग्गा गुग्गा कौन होते हैं जो थोड़ा डॉन टाइप के लोग होते हैं जो गुग्गा टाइप के लोग होते हैं वो क्या करते हैं वो गुग्गा टाइप के लोग होते हैं तो वो आदमी ही होते हैं गुग्गा टाइप के लोग थोड़ा सा डॉन टाइप के मतलब भोकाल टाइप दिखाते हैं तो तो गुग्गा लोग क्या कर रहे थे लूर लूर ऐसे याद किया था हम लोगों ने कि चश्मे में लूर लिखवा रखा है चश्मे में लूर लिखवा रखा है तो लूर डांस भी कहाँ का यहीं का है है ना डफ डांस था यहाँ का फाग डांस था खोरिया देख लिया हमने चारकुला डांस यहाँ का था ठीक है तो गुग्गा इसको मैन परफॉर्म करते हैं याद कैसे रखेंगे कि समझ आ गया ना कि गुग्गा लो गुग्गा ठीक है गुग्गा स्वामी है ना सरहुल इज अ फेमस ट्राइबल डांस ऑफ विच स्टेट सरहुल कहाँ का डांस है असम सिक्किम झारखंड या फिर छत्तीसगढ़ का कहाँ का है तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी झारखंड का एक सरहुल आपका बिलोंग करता है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा Uh, एक सेकेंड सरहुल सरहुल छत्तीसगढ़ का होगा है ना सरहुल छत्तीसगढ़ का होगा ऑप्शन नंबर डी झारखंड में तो हमने इस तरह से याद नहीं किया तो झारखंड में तो करम डांस पढ़ा था पैका पढ़ा था फगुआ मुंडारी छऊ झुमैर दोमकच हुटा ये सारे कहाँ के हम लोगों ने पढ़े थे ये यहाँ के पढ़े थे है तो ईस्टर्न इंडिया का ही तो आप एटलीस्ट दो ऑप्शन तो एलिमिनेट कर सकते हो वो असम और सिक्किम है असम और सिक्किम को तो आप आराम से एलिमिनेट कर ही सकते हो है ना तो यहाँ का हो जाएगा आपका सरहुल ठीक है आगे बढ़ें अगला देखें अगला आपका ये रहा और छत्तीसगढ़ का सैला भी है ध्यान रखना सैला और एक पढ़े थे पंडावनी पंडावनी याद आ रहा आपको पंडावनी पंडावनी से हमारी कौन एसोसिएटेड है तीजन बाई एसोसिएटेड है ऐसी तरह से हमने याद किया था कल बेलिया का जरा बताना कल बेलिया कहाँ का है और कौन सी ट्राइब इसको परफॉर्म करती है तो हमने देखा था जो स्नेक ट्राइब है वो इसको परफॉर्म करती है और गुलाबो सपेरा इसके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट हैं इसके है ना तो आपका जो सरहुल होगा वो ईस्टर्न इंडिया में होगा झारखंड छत्तीसगढ़ में आ, बट इसको झारखंड ही लगाओ ठीक है झारखंड ही लगाओ मेरे हिसाब से बिकॉज़ सरहुल की अगर बात करें झारखंड ऑप्शन नंबर सी है तो ईस्टर्न इंडिया का छत्तीसगढ़ में भी होता है लेकिन अब क्योंकि दोनों ऑप्शन में दिए हुए हैं तो गोविद दी झारखंड गुरेही जो है आपका गुरेही ये कहाँ का फोक डांस है तो गुरेही इज़ दी फोक डांस ऑफ विच स्टेट वेस्ट बंगाल हिमाचल प्रदेश कर्नाटका या फिर झारखंड तो अगर बात करें सही आंसर इसका क्या होगा हिमाचल प्रदेश होगा ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश के हमने और कौन कौन से याद किए थे हमने इस तरह से ट्रिक बनाई थी इसकी कि हिमाचल का नाटा छोरा अमन है नाटा छोरा अमन हिम पे राक्षसों के चोला और माला ओढ़ के सांड पे बैठ के डांग लेकर छपा छप कर रहा है इस तरह से हमने याद किया था तो नाटा से नाटी डांस पढ़ा था हम लोगों ने नाटी यहीं का है आपका छोरा से हमने पढ़ा था झोरा और झाली डांस झोरा और झाली डांस अमन से पढ़ा था धमन डांस यहीं का है आपका धमन है ना यान राक्षस डांस हो जाएगा चोलम्बा डांस हो जाएगा चोलम्बा डांस हो जाएगा और आपका डांगी डांस हो जाएगा छपेली डांस हो जाएगा ठीक है छपेली आपका हरियाणा वाले साइड में भी होता है और आपका छम डांस हो जाएगा ठीक तो है तो ये हिमाचल प्रदेश के लेकिन नाटी हो गया झोझोरा झाली हो गया घुरेई हो गया धमन हो गया ये थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कम साले इज़ दी फोक डांस ऑफ विच आर द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स तो इसको हमने कैसे याद किया था इसको हमने एक आ, स्टोरी रिलेट की थी क्या रिलेट करी थी कि बोला कम कर साले याद आ रहा आपको कुछ हुँ? इस तरह से हमने ट्रिक बनाई थी कि यश यश बोला कम कर साले नहीं तो क्या होगा कि डोल ये एक डॉल आएगी वो भूत बन के नागों की मंडली लेके आएगी और तुम्हारी वीरता खत्म कर देगी तो यश से यक्षगान बोला से बोलक डांस ठीक है साले से आपका कम साले डांस तो कहां का हो जाएगा कर्नाटका का सिंपल ठीक है तो कम साले हो जाएगा आपका और डॉल से डॉलू कुनीता है ना डॉलू कुनीता हो जाएगा आपका यहां से भूत बन के आएगी भूत आराधने हो जाएगा ठीक है भूत आराधने और कम साले हो गया आपका भूत आराधना हो गया बोलक बोलक हो गया मंडली तो मंडल हो जाएगा ठीक है मंडल क्लियर आगे बढ़ते हैं दस कठिया ऑफ डैश इज द ट्राइबल डांस ऑफ परफॉर्म बाई टू मेल्स रिपेक्टिंग द हिस्टोरिक एंड पुरानिक इवेंट्स दस कठिया कहाँ का है ये आपका उड़ीसा का है दस कठिया ठीक है दस कठिया आपका उड़ीसा का फोक डांस है ऑफ द फॉलोइंग डांसेज इस सीजल में क्वेश्चन पूछा गया है विचो द फॉलोइंग डांसेज परफॉर्म रही थी संथाल ट्राइब ऑफ झारखंड तो संथाल ट्राइब कौन सा परफॉर्म करती है अब कोला काली अगर आपको याद हो तो कोला काली यहाँ का झारखंड का ही नहीं कोला काली जरा बताओ कहाँ का है कोला काली आई थिंक यहाँ का तो नहीं है केरल के मैम हम लोगों ने आई थिंक पढ़ा था ना कोला काली हाँ केरल में ही पढ़ा था इसको यहाँ का नहीं है घूमर आपका अभी देखा राजस्थान भील ट्राइब परफॉर्म करती है कोली ए कोली वड़ा पाव लाना महाराष्ट्र आपको ट्राइब से मतलब ही नहीं था आपको बस स्टेट एलिमिनेट करना था ख़त्म था क्वेश्चन ठीक है तो ये मैंने आपको बोला था कि पहले तो आप स्टेट याद करो नाइनटीन फाइव परसेंट ज़्यादा क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे थाबल चौंगबा इज़ अ फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट गोवा का है मिजोरम का है मणिपुर का है या फिर वेस्ट बंगाल का थागबल थागल चोंगबा ये आपको ये इन्हीं दोनों स्टेट का लग रहा है इन दोनों का स्टेट का तो है नहीं आंसर इसका मणिपुर होगा ऑप्शन नंबर सी हाउ मेनी स्टाइल्स ऑफ छऊ फोक डांस एग्जिस्ट तो छऊ कितने टाइप का होता है अभी हमने देखा छऊ होता है आपका मेनली uh, तीन टाइप का है ना हाँ निधि आकांक्षा और अभी आई थिंक बाकी लोग बहुत लोग कमेंट नहीं कर पा रहे होंगे चलो मैंने फिर से वो ऑप्शन कर दिया ठीक है तो तीन तरह का होता है हमने देखा था केला झाड़ पे उता है ठीक है पूरा लिया पुरुलिया आपका वेस्ट बंगाल में होता है और मयूरभंज आपका होता है कहाँ पर मयूरभ उड़ीसा में ऑफ द फॉलोइंग रिचुअल डांस इज परफॉर्म बाय द कमर ट्राइब ऑफ मध्य प्रदेश तो कौन सा कमर ट्राइब परफॉर्म करती है घपल मुनारी पैन या फिर तरताली तो ये भी हमने देखा था भाई तरताली मध्य प्रदेश का और तेरा ताली कहाँ का राजस्थान का है ना तो ये आपका अगर हम बात करें तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा यहाँ पर तरताली विच द फॉलोइंग ट्रेडिशनल डांसिस मेनली परफॉर्म ड्यूरिंग दी नवरात्रि नवरात्रि के टाइम पे कौन सा परफॉर्म किया जाता है ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ये भी आसान सा है आपका बताओ जल्दी से रास लीला तो मणिपुर में हो जाएगा और मणिपुर से ही एसोसिएटेड जागोई एंड चोलोम आपको याद आना चाहिए याद आ रहा आपको जागोई छोलोम लई हरोबा लई हरोबा, पुंग चलोम था और डोल चलोम था ठीक है खम्भ याद आ रहा है खम्बा खंभा, खम्भम तो ये आपका डांस था मनी मनी आ गई थी मनी आ गई थी तो लाई लिया लाई लाई हरोबा ठीक है लाई किसके साथ खम्भा के साथ ठीक है डॉल इस तरह से हम लोगों ने याद किया था जागोई तो ये वहाँ का हो जाएगा नाटी नाटी पढ़ के आए हिमाचल प्रदेश का अभी असम का जो सॉरी ये हिमाचल प्रदेश का नाटा छोरा अमन था ठीक तो है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे नवरात्रि पूछना धूमल कहाँ का जरा बताओ धूमल तो यहाँ पे आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी मैंने आपको बताया था तो जो डांडिया है डांडिया हो गया आपका और आपका जो गरबा हो गया इनको परफॉर्म किया जाता है नवरात्रों के टाइम पर जो आपका डांडिया होता है वो किसके बीच की फाइट दिखाता है मॉक फाइट एक तो दुर्गा माता और महिषासुर के बीच जिसका उन्होंने वध किया था धूमर के धूमल की अगर बात करें तो ये जम्मू एंड कश्मीर का है जम्मू एंड कश्मीर का जहाँ का आपका रॉफ डांस भी है है ना हेरिस रॉफ से याद किया था ठीक है कूद रहा है वो भंड होके तो भंड पाथर ठीक है भंड पाथर और धूमल मैंने आपको बताया था तो जो रॉफ होता है रॉफ ये वेमेन लोग परफॉर्म करती हैं जो रॉफ होता है ये विमेन लोग परफॉर्म करती हैं सिमिलरली उसी के तरह जो मेन परफॉर्म करते हैं उसको धूमल बोलते हैं ठीक है मेन जो परफॉर्म करते हैं उसको धूमल बोलते हैं करागम फोक डांस इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट करगम करागम या फिर करगम जो भी प्रोनाउंस करते हो इसको ठीक है तो तमिलनाडु राजस्थान असम या फिर हरियाणा तो सही आंसर क्या होगा इसका करगम यह है आपका तमिलनाडु का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा और ये माना जाता है कि यहाँ पे एक तंजावुर करके विलेज है अगर आपको याद हो तंजावुर हम लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा था यहीं पे ही हमारा बृहदेश्वर टेम्पल बनवाया था किसने बनवाया था यहाँ पे बृहदेश्वर टेम्पल कमेंट में जल्दी से बताएंगे सभी लोग अगला क्वेश्चन है सुग्गी इज़ अ फेमस फेमस फोक डांस फॉर्म ऑफ डैश स्टेट इंडिया सुग्गी ये भी आ, आ, आराम से पता है मैं कर्नाटका छत्तीसगढ़ पंजाब या फिर सिक्किम तो यहाँ पे ब्रेदेश्वर हमने ध्यान अगर हमने ध्यान से देखा अगर आपको ध्यान से रिकॉल करेंगे तो ब्रेदेश्वर दो टेम्पल पड़े थे एक तो थंजावर में और एक गंगई कोंडा चोलापुरम में तो गंगई कोंडा चोलापुरम में तो राजेंद्र द फर्स्ट ने बनवाया था राजेंद्र चोला फर्स्ट ने ब्रेदेश्वर में जो बनवाया था वो राजा राजा वन ने बनवाया था राजा राजा द फर्स्ट ने बनवाया था और इसीलिए इस टेम्पल को राजेश्वर टेम्पल के नाम से जानते हैं सुग्गी आपका कर्नाटका का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा है ना बोला कम कर साले वो सब हमने यहीं यहीं से देखे थे बोलक हो गया कमसाले हो गया सब कहाँ के हैं कर्नाटका के हैं विच फोक डांस ऑफ राजस्थान ऑल्सो ने सपेरा डांस फिर से वही रिपीट हो गया क्वेश्चन आपका गैर कलबेलिया छारी या फिर घूमर तो किसको बोलते हैं कलबेलिया को बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी है ना गुलाबो सपेरा इसको स्नेक ट्राई परफॉर्म करती है सारे आपको याद आने चाहिए इसी तरह से हाँ सबका सही है राहुल ठीक आगे बढ़े अभी चलो हाँ नाटी नाटी और एक चीज़ चलो राजस्थान से मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ एंड दैट इज़ कि माता पार्वती को से कौन सा एसोसिएटेड मैंने आपको डांस बताया था बताया था ना माता पार्वती से एसोसिएटेड है तेरा ताली तो देख लिया हम लोगों ने ठीक है चलो तो नाटी अभी देखा है यार नहीं? नाटा छोरा अमन तो अमन से धमन ठीक है हिम पे क्या कर रहा है राक्षसों का चोला उड़ के राक्षस डांस चोला से चोलम डांस छपा छप चप कर रहा है आपका छम छम डा, डांस ठीक है तो सब कहाँ के हैं हिमाचल प्रदेश के हैं राजस्थान ये पार्वती की अगर हम बात करें गंगौर ये फेस्टिवल भी होता है गंगौर करके है ना आगे बढ़ते हैं अभी जजिया इज अ फेमस फोक डांस ऑफ बिहार ठीक है जजिया, झरनी बिदेसिया इया इया जहां पे आ रहे हैं ठीक है तो जहां पे भी आ रहे हैं जाट जाटिन जाट जाटिन ये सब कहाँ के हैं ये सब बिहार के हैं बिजिया झरनी विदेशिया जाट जाटिन ये सब हैं आपके कहा पे धोबिया धोबिया तो ये है आपके वहां के तो अब ये पूछ रहा है कि ये नवरात्रों के टाइम तो पर तो दुर्गा जी के जो तीन रूप हैं फिर दुर्गा जी खुद हो गई तो दुर्गा लक्ष्मी सीता नहीं होगी सीता नहीं होगी सीता नहीं होगी सीता नहीं होगी लक्ष्मी दुर्गा एंड काली ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा ठीक है अगर दुर्गा ऑप्शन में ना हो तो सरस्वती ऑप्शन में होगा ठीक है लेकिन यहाँ पे क्यों की आपकी पार्वती नहीं होती है ठीक है सॉरी काली तो होंगी लक्ष्मी होंगी ठीक है पार्वती नहीं होंगी तो ऑप्शन नंबर ए यहां आंसर होगा काली लक्ष्मी एंड दुर्गा संगफाओ ट्राइबल डांस इज परफॉर्म्ड इन विच ऑफ फॉलोइंग स्टेट्स तो जो संगफाओ आदिवासी नृत्य है वो निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है संगफाओ गुजरात का तो नाम लग नहीं रहा है संगफाओ राजस्थान का भी नहीं लग रहा है वेस्ट बंगाल का भी नहीं लग रहा है अरुणाचल का अजीब वैंचो बउआ के पास चालो ठीक है तो वो उसी स्टेट से आपका अरुणाचल प्रदेश द जोमल लोक फोक डांस इज़ एसोसिएटेड विद विच कम्युनिटी, तो जोमल लोक किस जो नृत्य वो किस समुदाय से जुड़ा हुआ है चैमल जमातिया लुशई या फिर लेपचा ट्राइब किससे जुड़ा हुआ है तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा जोमल लोक की अगर बात करेंगे जोमल लोक जो आपका फोक डांस है ये है आपका लेप्चा ट्राइब से अगर याद आ रहा आपको तो ये मैंने आपको ट्राइब भी पढ़ाई थी जब जोमल लोक के बारे में पढ़ाया था तो मैंने आपको ट्राइब भी पढ़ाई थी तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा और किस स्टेट ने स्टेट नहीं लिखा हुआ है सिक्किम सिक्किम से आपका और सिक्किम में आपको और कौन कौन से बताए थे एक मैंने आपको बताया था चू फाट अगर आप कहते हो जो भगवान कंचनजंगा को समर्पित है चू फाट हो गया आपका जोमल लोक हो गया आपका चूफाट दोनों ही लेपचर ट्राइब से एसोसिएटेड है आपका आपका यहाँ से सिंगी छाम हो गया ठीक है सिक्किम से सिंगी छाम हो गया कगेड डांस हो गया ये इंपॉर्टेंट है कगेट जो डांस है वो इंपॉर्टेंट है सिकमारी डांस हो गया वो इंपॉर्टेंट है ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट है आपका एक तो जोमल लोक हो गया और चूफाट हो गया और कगेड हो गया और सिंगी छाम हो गया चार पाँच इंपॉर्टेंट है वेमेन ऑफ विच टाइप परफॉर्म दी ट्रेडिशनल फोक डांस कॉल चक्री चक्री वेमेन ऑफ विच ठीक है तो चक्री जो है तो ये कौन से ट्राइब के वीमेन परफॉर्म करती हैं कॉल कंजर या फिर गोंड या फिर भरिया बताइए तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर चक्री चक्री यानी चक्री, या चक्री यहाँ पे चल रही थी आपकी कहाँ पे राजस्थान में राजस्थान में हो जाएगी आपकी कंजर कंजर ठीक है ऑप्शन नंबर बी ठीक है हाँ राजस्थान का ही है ठीक है चक्री या अगर आपका तो चक्री हमने देखा था तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा है ना हाँ ठीक है क्योंकि गोंड तो आपका यहाँ पे सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न इंडिया साइड में तो ये गोंड तो नहीं होगा ऑप्शन नंबर बी होगा कंजर ठीक आगे बढ़ते हैं विच फोक डांस रिप्रेजेंट्स अ मॉक फाइट बिटवीन गॉडेस दुर्गा एंड महिषासुर के बीच में कौन फाइट कौन सा आपका तो भांगड़ा तो है नहीं भांगड़ा पंजाब में रासलीला भी नहीं कलबेलिया भी नहीं है रा, कलबेलिया राजस्थान रास लीला, का रासलीला मणिपुर का ऑप्शन नंबर डी सॉरी रासलीला आपका यूपी का भी है ध्यान रखना ठीक है एक तो आपका मणिपुरी की रासलीला होती है और रासलीला आपकी यूपी का भी फोक डांस है ध्यान रखिएगा यूपी में हम लोगों ने पढ़ा था एक तो नौटंकी पढ़ा था और रासलीला पढ़ा था है ना इस तरह से हमने रिलेट किया था कि नौटंकी देखते हैं और रासलीला करते हैं तो डांडिया रास जो है आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा डैश इज अ ट्रेडिशनल ट्राइबल डांस परफॉर्म मेनली बाई देमेन ऑफ झारखंड ड्यूरिंग द कल्टिवेशन सीजन तो कौन सा इसमें आपका विमेन ऑफ झारखंड के द्वारा परफॉर्म किया जाता है तो ये ये पहली बात तो एलिमिनेशन का गेम है झारखंड का यक्षगान है ही नहीं वो कर्नाटका का है वेरा डांस या फिर वी डांस भी वहीं का है आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो झुमूर ट्राइब है ठीक है झुमार झुमूर जो है कल्टीवेशन के टाइम पे असम में भी वही झुमैर झुमूर ही होते हैं जो आपका उसके टाइम पे यानी कि जब आपका टी कल्टीवेशन का टाइम होता है ना तो ये लोग परफॉर्म करते हैं कौन मेनली वेमेन ही परफॉर्म करती हैं ठीक है अच्छा ये वडिगाव जो डांस है ये कहाँ का है कोई बताएगा वडिगाव डांस कहाँ का है ये आपका जो दमन जो दमन और दीव जो है वहां पे दमन और दीव में इसको परफॉर्म किया जाता है वर्डिग को ठीक है तो थोड़ा इसको भी देख लेना वर्डिग कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है ये भी आई थिंक एक दो एग्जाम से कभी कभी पूछ लिया गया वर्डी गाँव विच आर डांस फॉर्म ऑफ असम परफॉर्म बाई दुलिस पीपल हु वर्क इन द टी गार्डन्स ड्यूरिंग ऑटम ठीक है और हमारे अब आख, आखिरी के लास्ट के टेन क्वेश्चन में हम लोग एंटर कर चुके हैं ठीक है ठीके? ये आखिरी के दस क्वेश्चन हैं आपके तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा सही आंसर अब होगा यहाँ पे एक सही आंसर यहाँ पे होगा झुमूर झुमूर डांस ठीक है ऑप्शन नंबर बी लंबाडी हमने देखा था इसको जो आपकी ये लंबाडी एक कम्युनिटी है जिसको हम बंजर कम्युनिटी बोलते हैं बंजर जो राजस्थान से माइग्रेट किए थे तो वो परफॉर्म करते हैं इसको करगा भी आपका कहाँ का है कर्नाटका करगा कर्नाटका का है सुगी कर्नाटका का है लम्बाडी कहाँ का है लंबाडी और गुस्साडी लंबाडी गुस्साडी ये सब कहाँ के हैं धीमे से ये सब कहाँ के आपके तेलंगाना के हैं है ना

तो सॉरी मटकी तो यार वहाँ का है मटकी नहीं होगा ठीक है मटकी नहीं होगा क्योंकि ये बिहार में परफॉर्म किया जाता है बिहार में किया जाता है तो मटकी बिहार का तो है नहीं तो पैका भी आपका उधर का है उड़ीसा साइड का उड़ीसा का है राजस्थान का ये भी नहीं होगा बिराहा होना चाहिए ठीक है बिराहा होगा इसका बिराहा ऑप्शन नंबर इसको इस तरह से याद कर सकते हो जैसे नहीं आ... पता नहीं तुम लोग तुम लोग के यहाँ पे क्या बोलते हैं लेकिन जैसे हमारे यहाँ पे जैसे किसी को चिढ़ाते थे छोटे में चढ़ा चढ़ाते थे अगर किसी को तो बोलते थे बिराना ठीक है बोलते थे कि इसको बिराओ मत बिराना मतलब चिढ़ाना बोलते थे हमारे यहाँ पे तो एक तरह से क्या कर रही हैं ये जो औरतें हैं अपने जो हस्बैंड हैं उनको मतलब क्या कर रही हैं चिढ़ा रही हैं तो इस तरह से याद कर सकते हो ना तो बाकी पाइका वेका तो नहीं मटकी मध्य प्रदेश का आपका जहाँ पर मैंने आपको बताया था किस तरह से ऊपर वो कलश वगैरह रखे जाते हैं तैन परफॉर्म किया जाता है हाँ ठीक है अगला है हमारा कि संग राइज अ फोक डांस ऑफ तो संग जो है वो कहाँ का फोक डांस है तो बिहार त्रिपुरा कर्नाटक या फिर गोवा अगेन एलिमिनेशन से खेल सकते हैं बिहार का नाम नहीं है गोवा का नाम नहीं कर्नाटक भी साउथ इंडिया का नहीं त्रिपुरा का ऑप्शन नंबर बी संग ले जाऊंगा माता को माई है ना माता को ले जाऊंगा संग ले जाऊंगा तो संग से वहाँ पर संगराई संग था विच फोक डांस रिप्रेजेंट्स अ मॉक फाइट बिटवीन गॉडेस दुर्गा एंड महिषासुर बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है ना मतलब वो ऐसा नहीं कि रिपीट हुआ क्वेश्चन एक्चुअली में वो डिफरेंट एग्जाम्स में वो क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो आंसर क्या होगा आंसर अगेन आपका डांडिया रास हो जाएगा उम्म आर्ट इज़ अ फोक डांस फॉर्म परफॉर्म डेंड उम्म आर्ट को कहाँ परफॉर्म किया जाता है कसौली ये तो सर हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा कसौली तो ये तो कसौली तो हिमाचल प्रदेश पड़ता है ना ईटानगर अरुणाचल प्रदेश पड़ता है गैंगटॉक के पास सिक्किम में पड़ता है उम्म आर्ट ये है आपका साउथ इंडिया का कुर्ग डिस्ट्रिक्ट जो आपकी पड़ती है कर्नाटका में वहाँ पर इसको परफॉर्म किया जाता है कुर्ग में ठीक है तो ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा क्लियर आगे बढ़ते हैं डैश इज़ अ पॉपुलर फोक डांस ऑफ मिनी कॉय मिनी क्य का इनमें से कौन सा है मिनी कॉय मिनी कोय कहाँ पड़ता है मिनी कोय पड़ता है लक्षद्वीप में कमेंट में आप बताएंगे जल्दी से लक्षद्वीप को मिनी क्वाय से कौन सा डिग्री चैनल अलग करता है अब आलू यट्टू अगर आपको याद हो आलू को बैम्बू में डाल के बटरफ्लाई डाल के गाय डाल के कौन लोग वो कर रहे थे अरुणाचल प्रदेश के लोग याद आ रहा है आपको ठीक है तो आंसर होगा गया यहाँ पर लावा इस तरह से याद कर सकते हो कि भाई हमारे जो दो वोल्कैनो हैं इंडिया में जो पाए जाते हैं वो अंडमान निकोबार अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में पाए जाते हैं बैरन और नारकोंडम और उसी के ही ग्रुप ऑफ आइलैंड अगर हम देखें साथ में लक्षद्वीप है वैसे तो बैरन नारकोंडम अंडमान निकोबार में होते हैं पाए जाते हैं आपके बैरन और नारकोंडम लेकिन अगर हम बात करें मिनी क्वाइबी आपका ग्रुप ऑफ आइलैंड ही है जो कि आपका अरेबियन सी में लोकेटेड है तो उससे थोड़ा सा आप रिलेट कर सकते हो तो ये ए सॉरी नाइन डिग्री चैनल अलग करता है लक्षद्वीप को मिनीय से और मिनी कॉय को मालदीव से या फिर लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है एट डिग्री चैनल है ना चलिए और यहीं पे अभी हमने क्या बिल्ड किया अगर आपको पता होना चाहिए नेवल और एयर बेसिस बिल्ड किए हैं नेवल और एयर बेसिस बिल्ड करने वाले कहाँ पे मिनी क्वाय में बिल्ड करने वाले कावरअट्टी में और कावरट्टी मिनी क्वाय और कावरअट्टी में और यहाँ पर एक हमारा आई जटायु हम स्टैब्लिश करने वाले हैं आई जटायु एस जटायू कहाँ पर अगाटी आइलैंड में अगाटी आइलैंड में जो है आई जटायु हम नेवल बेस बिल्ड करने वाले हैं इंपॉर्टेंट है गटका कहाँ का है भाई गटका गट, गटक के लस्सी पीते हैं कहाँ के लोग पंजाब के लठ भी चलाते हैं कायदे से ये लोग फिर और लाठी और कहाँ का मार्शल डांस है ये मार्शल डांस पढ़े थे ना हम लोगों ने गटका हो गया और लाठी और कहाँ का है वेस्ट बंगाल का है ठीक बिहार की अगर बात करें तो बिहार में क्या देखने को मिलती है पापा की परी देखने को मिलती है तो परी से हमने कुछ याद किया था याद बताओ जल्दी से परी से हमने क्या याद किया था और तमिलनाडु का सीलम्बम है है ना भुवन बाम सीला के साथ गया था और आपका केरल का क्या है आ, कलरी पैटू है और यहाँ का क्या है परी खंबा ठीक है परी खंडा परी खंडा यहाँ का मार्शल डांस है ठीक है और भी अगर हम बात करें तो यहाँ का और और बाकी भी जल्दी से रिलेट करो एक तो सरिता है सरक सरक मनी लेके मणिपुर थांगटा वहीं का मणिपुर का ही है ठीक है इन बुआओं को मिजोरम भेज दो तो इन बुआ मिज़ोरम का मर्दानी खेल मर्दों का खेल कहाँ पे हो रहा था महाराष्ट्र में हो रहा था मर्दानी खेल और मल्ला खम्बा कहाँ का है जल्दी से बताएंगे कमेंट में मल्ला खम्बा कहाँ का है मल्ला खम्बा तो खम्बा कहाँ के लोग है ना तो एम से मल्ला खम्बा और एम से एम पी माधुरी माधुरी फोक डांस कहाँ का है तेलंगाना का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा ये भी हम लोग पढ़े थे ना कि भाई माधुरी है ना लंबाडी धीमे से घुसा दी ठीक है तो ये जो हैं सब कहां है सब कहाँ के हैं तेलंगाना के तेल तेल रनप्पा इज अ फोक डांस अब ये रनाप्पा भी कहीं कहीं होता है कहीं कहीं पे एक्सप्री ने बोला सर रनप्पा होता है वो रनप्पा ठीक है तो रनप्पा बोलो चाहे रानाप्पा बोलो ठीक है बात एक ही आपकी तो ये कहाँ का है इज अ फोक डांस ऑफ फड़ीसा कंसिस्टिंग ऑफ इन एक्टिंग चैप्टर्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ लॉर्ड रामा ठीक है लॉर्ड नहीं, नहीं राम नहीं होगा आई थिंक कृष्णा होना चाहिए कृष्णा होगा ठीक है लॉर्ड कृष्णा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा हाँ <laughs> तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा कृष्णा होगा ठीक है चलिए अगला हमारा क्वेश्चन एंड दैट इज़ आलू एट्टू इज़ अ फोक डांस ऑफ आलू एट्टू कहाँ का है तो अभी यार देखा आलू आलू लगा के कहाँ पर तो है ना आलू डाल के बेम्बू में वो सारा कहाँ से कहाँ से, से हमने रिलेट किया था ये ठीक है ओके 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 ओके, 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 ओके सॉरी अरुणाचल मैंने बोल दिया था कि पीछे आई एम रियली सॉरी फॉर दैट अरुणाचल बोल दिया था वेरी सॉरी दिमाग एकदम फिर जाता है कभी कभी फिरने का रीज़न पता है गर्मी पड़ रही है भयंकर लाइट आ नहीं रही है ए चल नहीं रहा है और जहाँ मेरा कमरा है ना इतना भयंकर गर्माता है कुछ पूछ पूछो नहीं एकदम दिमाग गर्मा रहा है मेरा क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में तो राजीव बउवा के पास वंचो वंंचो के पास चलो है न के पास चलो मास्क डांस देखते हैं लॉइन वैन पिकॉक डांस नागालैंड के हमने देखे थे ना कि भाई जो नागालैंड के वहाँ के क्या करते हैं नागों को यानी कि जो वहाँ के नाग हैं उनको क्या कर रहे हैं उन्हीं को तो कर रहे थे क्या कर रहे थे उनके साथ उनके साथ हम बैम्बू में उनको डाल रहे थे और नाग क्या करते हैं रेंगते हैं तो इस तरह से हमने रेंगमा भी याद किया था ठीक है रेंगमा भी याद किया था हमने रेंगमा हो गया आलू अट्टू हो गया बैम्बू डांस हो गया ठीक है जेलॉग डांस हो गया जैलांग जे फिर जेल में उनको जाना पड़ा था बटरफ्लाई हो गया ठीक है तो ये सब कहाँ के नागालैंड कैन लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज़ हलीसाका इज़ अ ग्रुप डांस नेटिव टू जो हलीसाका है वो मूल निवासी समूह नृत्य कहाँ का है हलीसाका तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर राजस्थान गोवा महाराष्ट्र या फिर गुजरात ये एक्चुअल में हलीसाका है गुजरात का इसको मेन और वुमेन दोनों परफॉर्म करते हैं ठीक है यहाँ पे होता क्या है ये एक मेन जो होता है यूजुअली यंग मैन वो खड़ा हो जाता है बीच में और यहाँ पर उसको महिलाएँ जो है सर्कुलेट कर लेती हैं मतलब महिलाएँ है. हाथ तो अपने एक एक दूसरे के पकड़ के देख रहे हो भाई की क्या वैल्यू होती होगी उस समय है ना जो भी खड़ा होता होगा बीच में तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा ठीक चलिए तो यहाँ पे अब जितने भी क्वेश्चन हैं आई थिंक आठ क्वेश्चन हैं तो ये आपके लिए होमवर्क हो जाएंगे ठीक है आठ क्वेश्चन तो आप होमवर्क के लिए कर ही सकते हैं ठीक तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे होता है ख़त्म छोटा सा मेडिटेशन के बाद भी दिमाग गर्म हो जाता है अब भाई पूरे दिन काम किए 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 कितना मेडिटेशन करोगे दिमाग तो गर्म होगा ही है रीखम पादा बिल्कुल अरुणाचल का था हाँ जी माधुरी तेलंगाना का ठीक है क्लियर हो गया सभी को थैंक यू दीपक सुरेंद्र शिवम नितेश चंद्र नारायण अमन मौर्य निशा चौरसिया अभिषेक निर्मल आ, टेलर उषा तनु अर्पिता रितेश और, और, और कितने लोग हैं यहाँ पे यार चलो मैं एक पोल कंडक्ट करूंगा परमार एस टेलीग्राम पे तो उस पे पोल पर पार्टिसिपेट करिएगा आप ठीक है पोल पे क्योंकि यार आगे की ट्रेजिक्ट्री मुझे डिसाइड करनी है क्लासेस की बिकॉज रीज़न उसका ये है कि अभी हमारा देखिए स्टैटिक जी के की ओर है देन केमिस्ट्री है सी एच एस एल एग्जाम लगा हुआ है आप में से काफ़ी लोग दे रहे होंगे आई थिंक है ना काफ़ी लोग अटैम्प्ट कर रहे होंगे तो उसको अटैम्प्ट करिएगा जो वहाँ पे मैं पोल डालूंगा तो सी एच एस एल काफ़ लोग दे रहे होंगे कुछ काफ़ी लोग सी पी ओ दे रहे होंगे काफ़ी लोग सी एल को टारगेट कर रहे होंगे कुछ लोग तीनों को टारगेट कर रहे होंगे कुछ लोग सी एल को टारगेट कर रहे होंगे तो जैसा कुछ है उसी हिसाब से वहाँ पर आप बताइएगा ठीक है बिकॉज उसी हिसाब से मुझे प्लानिंग करनी है आपके लिए कि कैसा क्या रखा जाए है ना नाइट तो क्योंकि सीजल ट्वेंटी फोर अभिषेक वही सितंबर अक्टूबर में कैलेंडर में तो ये लिखा हुआ है अभी नेक्स्ट टॉपिक कल हम फेस्टिवल्स करेंगे यूट्यूब पे। फेस्टिवल्स हाँ जी सॉविक हम यूट्यूब पे क्लास क्यों नहीं हुई क्योंकि यार सिर्फ क्वेश्चन करने थे इसलिए करेंट की ऑफलाइन मैगजीन आएगी निकल वाले अभी तो नहीं आएगी अगले महीने से प्लान किया देखते हैं काफ़ी कन्फ्यूजिंग है बिल्कुल कन्फ्यूजिंग तो है आपको रिपीटेडली उनको करना होगा रिवाइज बार बार करना होगा तभी होंगे ठीक है मैं भी अब एक दो जैसे कभी कभी आता है एकदम से रैंडम से तो फंस जाता हूँ मुझे भी एकदम से एकदम से दिमाग ब्लॉक हो जाता है याद नहीं आता किस state है किस स्टेट का ये ठीक है तो थोड़ा सा हंड्रेड परसेंट तो कभी नहीं हो पाएगा मैं अगर बात करूँ लेकिन आपको वो क्या है कि जितना आप आगे बढ़ सकते हैं जितना आगे बढ़ सकते हैं उतना कोशिश करना हंड्रेड परसेंट तो कभी नहीं हो पाएगा जैसे मैंने बताया कि जब कभी कभी मेरे साथ भी होता है कि कई जैसे भी मैं क्वेश्चन कर रहा तो आपने नोटिस किया होगा कि एकदम से कभी कभी नहीं एकदम से याद आ रहा था मेरे को कि कहाँ से है ठीक है इक्का दुक्का में हुआ है क्वेश्चन में है ना हम्म इफेक्टिव रिविजन का कुछ करो बिल्कुल करते हैं शिव कुमार अभी थोड़ा सा तो मुझे आपको डिस्कस करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे इफेक्टिव डिस्कशन हो नहीं पाएगा आई थिंक क्योंकि सब लोग कमेंट नहीं कर पा रहे हैं इसलिए तो तभी सर मेरी शादी कब होगी सर अच्छा यहाँ हम तुम्हारा हाथ देखेंगे क्या है मेरा नाम ले लीजिए सुधीर जी और एक चीज़ एंड दैट इज़ कि इंग्लिश में आपके नोट्स आई थिंक वो अपडेटेड नहीं है क्लासिकल डांस वाले और मिल नहीं रहे मैंने को बताया था यार उसका रीज़न क्योंकि वो जो अभी आपको नोट्स मिले वो पुराने बैच के जो हैं अभी जो नए बैच में अपलोडेड हैं तो रीज़न उसका ये है कि जो नोट्स अभी बनाते हैं तो वो अभी अवेलेबल हैं नहीं उनके फ़ादर की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है मतलब हॉस्पिटल आई में एडमिट हैं उनको आई थिंक ये ब्रेन हेमरेज हुआ है तो इसकी वजह से वो आई सी यू में एडमिट है तो इसी वजह से अब मैं बोल भी तो नहीं सकता ना उनको बनाने के लिए थैंक यू अभिषेक मुखर्जी ज़्यादा नहीं है अश्वत्थ आश, नागर कंप्यूटर के लिए कुछ सजेस्ट करिए कंप्यूटर के लिए यार प्लान तो किया था क्लासेस का कर देखो करते हैं कुछ है ना चलो भाई थैंक यू आपको पी डी एफ में अपलोड करता हूँ टेलीग्राम पर एंड बाकी तो अभी थोड़ा सा मैं भी डिलेमा में हूँ आगे कैसा क्या करना है तो उसी को लेकर थोड़ा सा अभी मैं सोच रहा हूँ कैसा क्या चीज़ें करनी चाहिए तो भी बताता हूँ मैं ठीक है अभी कल अनाउंस करता हूँ मोस्ट प्रावली अब मैंने कल बोला था अनाउंस करने के लिए फिर मैंने आज अनाउंस करने के लिए बोला अभी आज भी आज भी नहीं कर पाया तो थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ किस तरह से चीज़ें हों क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इफ़ेक्टिव तरीके से सारी चीज़ें हों और बहुत कायदे से हों और जब हों तो फिर क्लीन स्वीप मतलब इस तरह से हो जाए चीज़ें कि फिर इसके बाद मुझे भी ज़्यादा करवाने की चीज़ें दिक्कत ना हो आगे एस एस सी का ठीक है मैं भी फिर अपना देखूँ है ना कुछ अगर <laughs> ठीक है इसी बार क्लोज़ करते हैं एकदम है ना एस एस सी का पूरा तैयारी व्यारी सारा कुछ इतना मतलब आपको करवा दें आगे ज़रूरत ना पड़े आपको है ना थैंक यू सभी को बाकी देखते हैं अनाउंस करते हैं जल्दी ठीक है हाँ दीपक सबकी की सभी का थैंक यू जितने लोग जुड़े हैं बहुत बहुत थैंक यू थैंक यू